देखो नेचुरली अगर हम बात करें ना तो ह्यूमन नेचर बेकार ही होता है इनहेरेंटली। ह्यूमन बीइंग के अंदर ना ऐसी वैल्यूज होती हैं कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, यानी सेल्फिशनेस, डिस्क्रिमिनेशन। आप इतिहास में उठा के देखिए, ऐसे ऐसे आपको मतलब एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वायलेंस में विश्वास रखता है। पास्ट में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, अकेले 20वीं शताब्दी में 2 वर्ल्ड वार हुए। इनहेरेंटली ह्यूमन जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, किसी भी आइडेंटिटी के आधार पर। लेकिन अगर अच्छाई डालनी है ना ह्यूमन बीइंग्स के अंदर तो इंटेंशनली डालनी पड़ेगी, और वो डाली जाती है समाज में, आज के समाज में एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन अगर ना दी जाए तो कई बार हम देखते हैं इंसान फिर कैसा शैतान सा हो जाता है। तो एजुकेशन के माध्यम से अच्छाई डालनी पड़ती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस की सहायता से सरकार कानून बनाती है। डर पैदा होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कि भैया ये नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, तो ह्यूमन बीइंग रुकता है। अगर कानून ना हो तो ह्यूमन जानवर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसके अलावा समाज में एथिकल लीडरशिप की सहायता से, रिलीजन्स के माध्यम से अच्छाई डालने की कोशिश की जाती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। हालांकि इस कोर्ट के विरोध में भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। आप बताइए इस कोर्ट के विरोध में क्या पॉइंट्स हैं। डेट आज की 16 मार्च है। आज तो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, गगनयान मिशन की क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब गगनयान मिशन तो एक चीज़ है, लेकिन किस प्रकार से ये इंडिया के लिए पाथ ब्रेकिंग साबित होगा, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ गया है, क्या जानने को मिल रहा है वो डिस्कस करेंगे। स्कैम हुए हैं, अल्टरनेटिव्स क्या हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, सब डिस्कस करेंगे डिटेल से। और सबसे लास्ट आर्टिकल, वो रशिया एक स्पेस न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है, अगर वो बन गया, रशिया ने बना लिया, तो पूरे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी कैसे, इस इशू को भी डिटेल से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन में। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, गगनयान मिशन कैसे भारत के लिए पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकता है। आप देखो सिलेबस के GS पेपर 3 में स्पेस रिलेटेड जो टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारत ने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के नाम रिवील किए गगनयान मिशन के लिए। ये देखो पहली बार होगा जब इंडिया खुद से ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा। वैसे पहले भी इंडियंस स्पेस में गए हैं, लेकिन दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज की सहायता से। 40 साल पहले कोई इंडियन स्पेस में गया था। आने वाले दिनों में देखो आप देखोगे विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसीज के बीच में ना एक कंपटीशन सा देखने को मिलेगा ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजने के लिए। अभी तक देखो सिर्फ 3 देश ऐसे हैं, USA, रशिया और चाइना, जो ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेज पाए हैं। इसके अलावा कोई और देश नहीं भेज पाया है। लेकिन देखो पहले जब इन देशों ने स्पेस में ह्यूमन बीइंग्स को भेजा ना, तब गोल्स अलग थे, लेकिन अब जो गोल्स हैं ना वो अलग हैं। अब दोनों अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज जो है ना स्पेस को इस प्रकार से एक्सप्लोर करना चाहती हैं, जैसे मून वगैरह पे कॉलोनी इस्टाब्लिश की जा सके, रिसोर्सिस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। पहले ये सब गोल नहीं हुआ करते थे। अब जिस देश ने जितना जल्दी अच्छे ढंग से स्पेस को एक्सप्लोर किया उसको फायदा होगा, क्योंकि वो रिसोर्सिस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा मून इत्यादि या फिर दूसरे प्लैनेट से, कॉलोनी इस्टाब्लिश जल्दी कर लेगा वो देश जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में महारत हासिल की। तो इंडिया क्यों पीछे रहे। अगर इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में पीछे रह गया तो इंडिया ये सारे फायदे गंवा देगा। पिछले 50 सालों में देखो वैसे 600 लोग स्पेस में जा चुके हैं। अगले साल जो हमारा ये मिशन लॉन्च होगा गगनयान, अगर ये सफल होता है तो ना सिर्फ इंडिया अपनी कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेट करेगा पूरे वर्ल्ड के सामने कि देखो हमें भी महारत हासिल है, हम भी स्पेस पावर हैं, लेकिन देखो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, जो कि होगा ही, हमारी उम्मीद है, हमारा विश्वास है, तो ना इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस होगी इंडिया के लिए। क्या सिग्निफिकेंस होगी, इंडिया को भी देखो रिसोर्सिस एक्सप्लोर करने के अधिकार मिलेंगे। एक चीज देखो बताना ये भी जरूरी है, पहले बेशक रशिया, USA ये देश ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेज चुके हैं, बट अब जो रेस चल रही है ना ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजने की,
इसमें देखो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, नए मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से विभिन्न देशों को टाइम भी लग रहा है। तो अगर इंडिया गगनयान मिशन को सफल बना लेता है तो नई स्पेस टेक्नोलॉजीज की अर्ली एडॉप्शन में इंडिया एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा और यही टेक्नोलॉजीज बाद में अब इस्तेमाल होंगी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब देखो एक चीज और है, जब इंडिया गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए काम अभी कर रहा है ना, तो जब हम ऐसा करते हैं ना, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजीज पे काम करते करते हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज में भी एक्सपर्टीज हासिल हो जाती हैं जो स्पेस से नहीं जुड़ी हुई। जैसे देखो एग्जांपल आपको देता हूं, पहले स्पेस प्रोग्राम्स पे रिसर्च की गई, स्पेस प्रोग्राम पे रिसर्च करते करते विभिन्न देशों ने एमआरआई पे महारत हासिल कर ली कि एमआरआई भी किया जा सकता है। मेन फोकस था स्पेस प्रोग्राम पे, लेकिन स्पेस प्रोग्राम पे रिसर्च करते करते एमआरआई टेक्नोलॉजी इवोल्व हो गई, हार्ट इम्प्लांट टेक्नोलॉजी, कैसे हार्ट को इम्प्लांट किया जा सकता है, ये भी इसमें भी महारत हासिल हुई। कैसे? क्योंकि रिसर्च चल रही थी स्पेस प्रोग्राम पे, स्पेस प्रोग्राम पे रिसर्च करते करते कुछ ऐसा निकल के आया जो बहुत ज़्यादा यूजफुल था हार्ट इम्प्लांटेशन के लिए। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ स्पेस प्रोग्राम पे रिसर्च करते करते बीच बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी मिल जाती हैं जो दूसरे फील्ड्स में यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ में, पहला भी ऐसा हुआ है। और इससे भी बड़ी बात, क्यों गगनयान मिशन का सफल होना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? पहले देखो ऐसा हुआ है, नई नई टेक्नोलॉजीज विभिन्न देश हासिल करते थे ना, तो इंडिया को डिनाई कर दिया जाता था कि हम आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। जैसे 90s में इंडिया को ना क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी ताकि ज़्यादा भारी रॉकेट और ज़्यादा ऊंचाई पर भेज सके, यूएसए ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। छोटी से छोटी चीज़ परचेज करने में हमें दिक्कत आ रही थी, जैसे सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। फिर इंडिया की आंखें खुली कोविड-19 की महामारी जब आई, पीपी किट्स, मेडिसिन्स, ये दूसरे देशों से परचेज करने पड़ रही थी, लेकिन आसानी से पीपी किट्स और मेडिसिन्स मिल नहीं रही थी, तो इंडिया की आंखें खुली। उस समय आपको याद हो तो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इंडिया को यह एहसास हो गया था कि टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंस जरूरी है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है ना, जो देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वहां पे तो देखो हमें सेल्फ रिलायंट होना ही होगा, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो अगर ये पूरी कंटेक्स्ट आप देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, फिर तो गगनयान मिशन जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी ह्यूमन बींग्स को स्पेस भेजने के मामले में दूसरे देश लीड ले लें और हम पीछे रह जाएं, फ्यूचर में फिर ये देश हमें ये टेक्नोलॉजी भी डिनाई कर देंगे। समझे? आत्मनिर्भर होने के मामले में सरकार देखो कितना तेजी से आगे चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अलग से मिशन लॉन्च किया, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अलग से मिशन लॉन्च किया, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी सरकार अलग से स्पेसिफिक मिशन लॉन्च कर चुकी है, सरकार पीछे नहीं रहना चाहती। इवन देखो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनमें भी सरकार पार्टिसिपेट कर रही है, पीछे नहीं रहना चाहती, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में टेक्नोलॉजी ना शेयर की जाए हमारे साथ में। तो लीगो एक्सपेरिमेंट में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, स्केयर किलोमीटर एरे एक्सपेरिमेंट में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, अभी हाल ही में सरकार ने डिक्लेयर किया था लॉन्ग टर्म R&D प्रोजेक्ट्स को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया है। और डिफेंस में भी डीप टेक को प्रमोट करने के लिए सरकार जल्द ही कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। डीप टेक टेक्नोलॉजी देखो वो होती है जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद निकल के आती हैं और जिससे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डीप टेक का, मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल ही डिस्कवर कर लिया या फिर कोई ऐसी इन्वेंशन कर दी, ऐसा मटेरियल डेवलप कर दिया रिसर्च करके जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, फिर उसकी सहायता से ऐसे व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं जिन पे गोली और दूसरे जो RPG जैसे फायर हैं उनका असर ना हो। तो ये है डीप टेक। जैसे AI का इस्तेमाल कर लिया डिसीजंस लेने में, मिलिट्रीज के पास में ना कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है,
लेकिन एआई की सहायता से उस कॉम्प्लेक्स डेटा को मिनटों में एनालाइज करके इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और डिसीजन लिए जा सकें। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हो यूज हो डीप टेक और जो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इमर्ज होकर आए। इसके बाद इंडिया, आपने देखा होगा, अब विभिन्न कंट्रीज की जो कंपनीज है ना सेमीकंडक्टर और चिप से संबंधित, उनको लुभा रहा है कि आप इंडिया में आइए, यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टाब्लिश कीजिए, यहाँ पे आप चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस्टाब्लिश कीजिए। इंडिया चाहता है ये टेक्नोलॉजीज हमारे पास में आए, हम पीछे ना रह जाएं। वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जा सकता है, साइंटिफिक कमिटी जो है ना वो वेलकम कर रही है सरकार के नए इनिशिएटिव्स का कि बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो अभी भी चाहिए देश में रिसर्च को बूस्ट करने के लिए। जैसे अभी भी रिसर्च में और एजुकेशन में जो इश्यूज हैं, जैसे लर्निंग आउटकम कमजोर है, रिसर्च में फंडिंग की कमी है, रिसर्च से संबंधित हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, वो फंडामेंटल इश्यूज एड्रेस किए जाएं, समझे। और ये चीज ऐसी है, ऐसा नहीं कि आप एक दो साल ध्यान दो और फिर छोड़ दो। अगर इंडिया को टेक पावर हाउस बनाना है ना, तो ना आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, लगातार आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लगातार सपोर्ट चाहिए इस एरिया के लिए, तब जाके फिर हम टेक पावर हाउस बन सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद आज के डिस्कशन में नेक्स्ट आर्टिकल, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था एसबीआई को, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित अपना डेटा वेबसाइट पर डाल दिया है। अब ये डेटा कंप्लीट तो नहीं है, मतलब हमें ये तो पता है कौन सी कंपनी ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया और कौन सी पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला, हमें यह तो पता है, लेकिन किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन दिया ये अभी हमें नहीं पता है, समझ गए। आधी जानकारी हमारे पास में है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए, अब किस पार्टी को दिए ये नहीं पता हमें। तो जितना डेटा हमारे पास सामने आया है ना, उससे हमें क्या पता लगता है, उससे देखो बहुत सारी चीजें जाहिर होती हैं। मतलब अभी तो देखो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लगेगा, लेकिन हाँ शुरुआती तौर पे ऐसा लग रहा है कि ना कई तो जानबूझ के सेल कंपनीज बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करने के लिए। सेल कंपनीज मतलब डब्बा कंपनीज जो वास्तव में बिजनेस नहीं करती हैं, सेल कंपनीज को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को दिखाने के लिए, मतलब पैसा इधर उधर करने के लिए। तो बहुत सारी सेल कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं। दूसरी चीज ये सामने आई कि कई कंपनीज का इतना तो प्रॉफिट भी नहीं है जिससे जितने उससे ज्यादा का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर लिया है। अब कोई भी नॉर्मल बिजनेस ऐसा नहीं करेगा, आपको भी पता है, कोई भी कंपनी जितना प्रॉफिट है उससे भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का परचेज नहीं करेगी, अंटिल अनलेस कोई या तो क्विड प्रो इन्वॉल्व है। क्विड प्रो मतलब समझते हो कि हम आपको फायदा पहुंचाते हैं, आप हमें फायदा पहुंचाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पर रूलिंग पार्टी, चाहे वो स्टेट के अंदर हो या फिर सेंटर के अंदर हो, उनको पैसा दिया गया किसी कंपनी के द्वारा कि हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा देंगे परचेज करके इलेक्टोरल बॉन्ड, बदले में आप हमें ये प्रोजेक्ट दिलवा दीजिए, समझ गए। ऐसा क्विड प्रो इन्वॉल्व होगा तभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी जिसका प्रॉफिट बहुत ही कम है, जिसका टर्नओवर बहुत ही कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर लेती है, तो सीधा सीधा दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ज्यादातर जो डोनर कंपनीज है ना जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए वो अनलिस्टेड है या फिर अननोन है, मतलब फेमस कंपनीज ने बहुत कम इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं और लिस्टेड कंपनीज ने भी कम किए हैं, ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, क्योंकि ना लिस्टेड कंपनीज को बहुत सारा डेटा बताना होता है सेबी वगैरह को, तो इसलिए और भी बहुत ज्यादा कंप्लायंस उसको करना होता है, शेयर होल्डर से इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन रखनी होती है, तो लिस्टेड कंपनीज ने कम इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं। अनलिस्टेड और अननोन कंपनीज जो फेमस नहीं है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा परचेज किए हैं। इवन न्यूज़पेपर में ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जैसे ये लॉटरी वाला सबसे ज्यादा जिसने डोनेट किया ना, सबसे पहला वाला फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये लॉटरी बेचती है ये कंपनी, 2000
2019 की बात है, यूनियन गवर्नमेंट ने विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि ये जो लॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं इनसे सावधान रहिए, मतलब सचेत रहिए, ये फ्रॉड कर सकते हैं। उसके बाद इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए। अब ये नहीं पता किसको दिए, मतलब डीएमके पार्टी को दिए, बीजेपी को दिए। एक तरफ देखो आरोप ये लगता है कि रूलिंग पार्टी ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया एक्सटोर्शन के लिए, मतलब इनडायरेक्ट धमकी दी कि अगर हम आप हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं परचेज करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ सीबीआई ईडी छोड़ देंगे, मतलब ऐसा आरोप लग रहा है। बाकी तो देखो आपको भी पता है, इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर मैनर में हो तभी चीज़ें सामने आए। और दूसरी तरफ डीएमके पार्टी जो है तमिलनाडु में, उन पे आरोप लगता है उन्होंने ओवर द लिमिट जाकर लॉटरी से संबंधित एक बिल पास करवाने की कोशिश की थी। तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इन्होंने ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, तो हो सकता है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड इनके लिए परचेज किए हों। आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे एसबीआई को देखो सब पता है, उन्होंने बताया नहीं जानबूझ के, मतलब पार्शियल डेटा है ना ये, कंप्लीट डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लताड़ भी लगाई है एसबीआई को कि आप बॉन्ड के जो नंबर है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर, वो तो जारी कीजिए ना, जारी नहीं किए उन्होंने। अब देखो एक चीज़ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आरोप ये लगता था कि ये ना ओपेकनेस लेके आते थे, पता नहीं लगता था कि कौन किसे डोनेट कर रहा है। अब इसी चीज से तो देखो करप्शन होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म आता है कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं और बदले में फिर पॉलिटिकल पार्टीज उन कंपनीज की मदद करती हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इनके नाम नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये डोनेट नहीं करते हैं, डोनेशन के दूसरे भी तो सोर्स है ना, डायरेक्टली डोनेट कर दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, फॉर एग्जांपल बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से डोनेट कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन मिल रहा है वो तो सिर्फ एक टिप इन द आइसबर्ग है, और भी तो बहुत तरह का डोनेशन मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो देखो अच्छा किया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या सोल्व हो जाएगी? नहीं, इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब आई थी ना उससे पहले भी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इलेक्टोरल फंडिंग में। दिक्कत तो यही है ना, अब हम बैक टू स्क्वायर वन है। मतलब कहने का ये है, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले पॉलिटिकल फंडिंग में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी थी और सिर्फ ये स्कीम आई तब ट्रांसपेरेंसी चली गई। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, उससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो हम बैक टू स्क्वायर वन तो आ गए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं तो ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए। वोटर्स को अधिकार है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन डोनेट कर रहा है, कितना अमाउंट डोनेट कर रहा है। क्योंकि देखो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना, इसी चीज से करप्शन होता है, इसी चीज से क्रोनी कैपिटलिज्म आता है, कॉरपोरेट ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में सांठगांठ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सांठगांठ होती है, नेक्सस देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। क्या सॉल्यूशन है? देखो एक सॉल्यूशन है, एस वाई कुरेशी बोलते हैं, स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ना स्टेट से फंडिंग मिले, और कैसे मिले? पर वोट के हिसाब से। जैसे बीजेपी को मान लीजिए 35 करोड़ वोट हासिल हुए, तो 35 करोड़ इंटू में 100, 3500 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दो स्टेट के खजाने से। उसी प्रकार से कांग्रेस को मान लीजिए 35 करोड़ हासिल हुए, तो उनको भी 3500 करोड़ दे दो। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने वोट हासिल हों उसको 100 से मल्टीप्लाई करके स्टेट फंडिंग दे दो। जब देखो पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट से पैसा मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो कॉरपोरेट ग्रुप से वो नहीं लेंगे पैसा। बैन कर दो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉरपोरेट ग्रुप से चंदा नहीं ले सकती, और इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाओ पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का, अलग से थर्ड पार्टी ऑडिटर से पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स का ऑडिटिंग होनी चाहिए। जो इनके इंटरनल ऑडिटर होते हैं ना उनसे नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल ऑडिटर तो देखो खाना पूर्ति करते हैं, नाम नाम की ऑडिटिंग करते हैं। एक्सटर्नल
ऑडिटर अच्छे से ऑडिटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के खातों की। अब देखो यहां पे ना एक कंसर्न आ सकता है, कुछ लोग बोल सकते हैं स्टेट के खजाने से पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा जाएगा, तो वो तो देखो सिटीजन्स का पैसा है, सिटीजन्स अपना पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों दें, समझ रहे हो। तो राइटर कहते हैं देखो ये समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए सिटीजन्स एक छोटी सी कीमत चुका रहे हैं, अगर देखो ऐसा भी नहीं चाहते सिटीजन्स कि हमारा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को जाए तो एक दूसरा सॉल्यूशन है नेशनल इलेक्शन फंड, मतलब अलग से एक फंड बना दिया जाए नेशनल इलेक्शन फंड, और कॉरपोरेट ग्रुप्स को बोला जाए कि अगर आप चंदा देना ही चाहते हो ना तो इस इलेक्शन फंड में चंदा दे दीजिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और इस इलेक्शन फंड से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को हम चंदा दे देंगे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और प्रोविजन किया जा सकता है कि जो कॉरपोरेट ग्रुप्स नेशनल इलेक्शन फंड में चंदा देते हैं इसके लिए इनको टैक्स कंसेशन मिलेगा, डोनेशन में जितने का चंदा देंगे उस अमाउंट का इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो फिर देखो हो सकता है कि कॉरपोरेट ग्रुप्स इस नेशनल इलेक्शन फंड में कंट्रीब्यूट करें और बाद में कॉरपोरेट ग्रुप्स वो प्रॉब्लम्स भी नहीं झेलेंगे कि हरासमेंट हुआ। हरासमेंट इनका पता क्यों होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने रूलिंग पार्टी को चंदा दे दिया और बाद में अपोजिशन सत्ता में आ गई, तो अपोजिशन पार्टी जो अब सत्ता में आ चुकी है वो तो बोलेगी ना कि आपने पिछली पार्टी को क्यों चंदा दिया, अब हम आपको दिखाएंगे, अब हम आपसे बदला लेंगे। तो कॉरपोरेट ग्रुप्स को डर लगता है, तो अगर नेशनल इलेक्शन फंड में वो चंदा देंगे तो उनकी कोई हरासमेंट नहीं करेगा क्योंकि इसी फंड से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा जाएगा। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रो ये है करप्शन कम होता है और डोनर्स की जो हरासमेंट है वो कम होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की रेपुटेशन इंक्रीज होगी, और ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए सिटीजन्स की छोटी सी कीमत है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। कौन सी ये हैं, पब्लिक बियर्स द कॉस्ट और पोटेंशियल राइज ऑफ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर देखो स्टेट डोनेशन करेगा ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को तो ऐसा हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जानबूझ के सिर्फ पैसा कमाने के लिए इलेक्शन में आ जाएं कि यार इलेक्शन लड़ते हैं हमें तो सरकार फंडिंग देगी थोड़ा बहुत मजा करेंगे और बढ़िया काम चलेगा अपना। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ सकते हैं डोनेशन के चक्कर में। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो 180 में से 71 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे स्टेट फंड्स का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इलेक्शन, मतलब उनको जितना वोट मिला उसी हिसाब से उनको फंडिंग मिलती है स्टेट से। यूरोप में 86% कंट्रीज में ये प्रीवेलेंट है, अफ्रीका में 71% कंट्रीज में, और अमेरिका में 63% कंट्रीज में, एशिया में 58% कंट्रीज में। राइटर कहते हैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो देखो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन बाकी देशों में ये काम कर रहा है तो ये इंडिया में काम क्यों नहीं करेगा, इंडिया में भी काम कर सकता है बढ़िया ढंग से। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वैसे देखो अच्छी है लेकिन इशू को रिजोल्व नहीं करती है, अब हमारा फोकस होना चाहिए अल्टरनेटिव्स पे कि ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस या फिर नेशनल इलेक्शन फंड, दोनों ऑप्शन हमने डिस्कस किए, दोनों वायबल ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, दोनों पे अब देश में एक डिस्कशन एक डिबेट हो सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो रशिया के द्वारा स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से संबंधित है। आप देखो GS पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, इसके अलावा बहुत थोड़ा सा पोर्शन IR से भी रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो CNN की एक रिपोर्ट आती है जिसमें मेंशन था कि किस तरह इंडिया और चाइना ने रशिया को यूक्रेन वार में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से रोका था। इससे पता लगता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया की वेटेज का। वैसे देखो पिछले महीने अमेरिका के एक पार्लियामेंटेरियन हैं, लॉ मेकर हैं, US हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन माइक टर्नर, इन्होंने ना एक खुलासा किया। इनका खुलासा क्या था, इनका खुलासा ये था कि रशिया एक ऐसी स्पेस कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज को देखो वैसे तो अमेरिका के ऑफिशियल्स भी एक्सेप्ट कर चुके हैं,
बट ये चीज कंफर्म नहीं है कि क्या रशिया ने स्पेस न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं या नहीं, बट 2021 से रशिया ने कई स्पेस बेस्ड टेस्ट किए जो देखो काफी सस्पिशियस थे और स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर थ्रेट को इंडिकेट कर रहे हैं। और जरा डिटेल में हम डिस्कस करें, देखो रशिया का ये वेपन अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। क्यों? किसी भी देश के पास ना स्पेस न्यूक्लियर वेपन्स से खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मतलब स्पेस में अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो उससे बचने के लिए अभी किसी भी देश के पास में कोई डिफेंस नहीं है अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए। और स्पेस न्यूक्लियर वेपन से बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है जो पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी को कोलैप्स भी कर सकता है। इस वजह से अमेरिका को, इंडिया और चाइना को भी कन्विंस करना पड़ा कि भैया आप रशिया को इस वेपन बनाने से रोकिए। तो इसके लिए भी इंडिया और चाइना ने रशिया से बात की। तो आखिरकार ये स्पेस न्यूक्लियर वेपन है क्या और रशिया इसको बनाने में इतना जिद्दी क्यों है? देखो स्पेस न्यूक्लियर वेपन में ऐसे वेपन को डेवलप किया जाता है जो आउटर स्पेस में जाके, यानी कि अर्थ से 100 किलोमीटर के ऊपर जाकर ये वेपन किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि रशिया ने न्यूक्लियर वेपन का यूज किया तो वो न्यूक्लियर वेपन जाके किसी दूसरे सैटेलाइट से टकराएगा। नहीं, नहीं टकराएगा। ये वेपन जब आउटर स्पेस में, यानी अर्थ के 100 किलोमीटर ऊपर जाकर जब ब्लास्ट होगा ना, तो बड़े स्केल पे, यानी मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सिस जनरेट होंगी और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सिस के जनरेट होने से, उसकी रेडिएशन से आउटर स्पेस में जो स्पेस में सैटेलाइट्स आसपास चक्कर लगा रही है ना, वो सब डैमेज हो जाएंगी। आज के समय में देखो स्पेस में ना टोटल 72,000 सैटेलाइट्स फंक्शन कर रही हैं, तो एक न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट होने से हजारों सैटेलाइट्स को खतरा हो सकता है। सैटेलाइट्स देखो किसी भी देश के लिए ना आज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिस पर हर कंट्री की सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। अगर किसी कंट्री का एक वेपन से सारी सैटेलाइट्स एक बार में डैमेज हो जाएंगी, वो कंट्री वैसे ही किसी वार में खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। मतलब उस देश की तो इकोनॉमी, डिफेंस, सब कुछ ठप हो जाएगा। इकोनॉमी में हम आज के समय में बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, जितने भी ये सारी चीजें हैं ना, सब ऑनलाइन नेटवर्क पर डिपेंडेंट होते हैं और सैटेलाइट्स के कोलैप्स होते ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा और वो देश तबाह होने की कगार पर आ जाएगा। मतलब ना सिर्फ एक देश, बल्कि जितने भी देश यूज कर रहे हैं सैटेलाइट्स वगैरह, सबको नुकसान होगा। आज के लिए तो देखो हम छोटी बड़ी सभी आवश्यकताओं के लिए इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट हैं। वैसे देखो हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक से हुए डैमेज को पूरा वर्ल्ड ने देखा, कितना ज्यादा नुकसान हुआ। बट देखो स्पेस न्यूक्लियर कितना डैमेज कर सकता है ये किसी को अभी अंदाजा भी नहीं है। इसका थोड़ा सा अंदाजा हम 1962 के अमेरिकन हाई एटीट्यूड न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम है स्टारफिश प्राइम, के इम्पैक्ट से लगा सकते हैं। मतलब यूएस ने 1962 में यह टेस्ट परफॉर्म किया था, स्टारफिश प्राइम। इसमें यूएस ने क्या किया था, अमेरिका ने ना हवाई से स्टारफिश प्राइम से 1.4 मेगाटन का न्यूक्लियर वारहेड अर्थ से 400 किलोमीटर की दूरी पर ब्लास्ट किया था। तब देखो ओरोरा जैसी लाइट 1300 किलोमीटर दूर इक्वेटर में भी देखने को मिली थी। उसने अमेरिका सहित यूके के भी सैटेलाइट्स को उस समय बर्बाद कर दिया था। उस समय हालांकि इतने हजार सैटेलाइट्स नहीं थे, हवाई में ब्लैकआउट हो गया था क्योंकि हवाई के रेडियो सिस्टम और इलेक्ट्रिक ग्रिड बिल्कुल ठप पड़ गए थे और कई सालों तक, ऐसा माना जाता है कि कई सालों तक रेडिएशन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में फंस के रह गया था, ट्रैप्ड था। इसके बाद देखो यूएस को देखकर रशिया ने भी हाई एटीट्यूड टेस्ट किए, जिससे कई डैमेज रिपोर्ट हुए और उसके बाद फाइनली एक ट्रीटी साइन हुई थी 1963 में, जिसका नाम है ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इस पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ कि स्पेस में जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना, इनको रोका जाए। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये सभी देशों को बर्बाद कर देगा। लेकिन अब सोच के देखिए, एक बार फिर से रशिया कोशिश कर रहा है स्पेस में यूज होने वाले न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की। अगर रशिया कोशिश कर रहा है, मान लीजिए एक रेस स्टार्ट हो गई विभिन्न देशों के बीच में,
स्पेस न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की, तो फिर क्या हाल होगा? देखो, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे ना, उससे ह्यूमन बींग्स मारे गए, लेकिन स्पेस में जो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा ना, उससे ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली नहीं मारे जाएंगे, बट इकोनमी को और दूसरी चीजों को इतना नुकसान पहुंचेगा, इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स मारे जाएंगे। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया आखिरकार ये स्पेस न्यूक्लियर वेपन डेवलप क्यों कर रहा है, मतलब क्या रीजन है? देखिए, आज रशिया के पास ना लगभग 6000 न्यूक्लियर वार हेड हैं, आप कह सकते हो सिंपल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद इवन यूएस के पास भी 5500 के आसपास में न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। लेकिन देखो, बात वही जो मैंने आपको बताया, डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के खिलाफ में अब ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना ना बहुत मुश्किल है। स्टिग्मा अटैच है कि आपने डायरेक्टली इतने लोगों को मार दिया, आपने वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से रशिया ना अभी यूक्रेन वार में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं कर सका। बट रशिया चाहता था यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया जाए, कर नहीं इसका, क्योंकि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ना, इसका इलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट्स के माध्यम से वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती है, तो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है ना, वो यूक्रेन में अभी भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और रशिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। रशिया ने वैसे 2021 में एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया था। बट देखो, स्टारलिंक प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, छोटे छोटे 8000 के आसपास। अब हर एक सैटेलाइट के लिए एक मिसाइल का यूज करना, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसलिए रशिया ने अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल नहीं किया स्टारलिंक प्रोजेक्ट के सैटेलाइट्स के अगेंस्ट। लेकिन देखो, इस रीजन के अलावा ना और भी रीजन्स हैं जिसकी वजह से रशिया ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है। जैसे देखो, अब विभिन्न देश एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बनाने में लगे हुए हैं, मतलब स्पेस बेस्ड वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं। यूएसए तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अलावा लेजर वेपन पर भी काम कर रहा है। चाइना भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल रखता है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी 2021 में मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया। बट ना अभी किसी भी देश के पास में स्पेस न्यूक्लियर वेपन का कोई काउंटर नहीं है। तो रशिया चाहता है अगर हम स्पेस न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे तो हमें एक एज मिल जाएगा, हम बाकियों से आगे निकल जाएंगे, ये रशिया को लगता है। अमेरिका की कुछ डिफेंस सैटेलाइट्स, मतलब बहुत कम 10% के आसपास यूएस की जो डिफेंस सैटेलाइट है ना, वो रेडिएशन से खुद को बचा सकती हैं। बट 90% सैटेलाइट्स कॉमर्शियल होती हैं जिनके पास रेडिएशन से बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो खतरा तो देखो सभी देशों की सैटेलाइट्स को है। वैसे देखो, जब ये खबर सामने आई ना कि रशिया ऐसा स्पेस न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तो रशिया ने बोला कि ये कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न प्रोपगेंडा है, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रशिया देखो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ऐसा रशिया ने बोला, जिसमें स्पेस में किसी भी मास डिस्ट्रक्शन वेपन को डिप्लॉय करने पर बैन लगा रखा है, मतलब इस आउटर स्पेस ट्रीटी की गाइडलाइंस ने। 1982 में इंडिया ने भी इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था। लेकिन देखो, दिक्कत पता क्या है, बात बोलने की कुछ और होती है। सभी वर्ल्ड बोलते तो है ही है कि हाँ, हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, ट्रीटीज को फॉलो करते हैं, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रीटी केवल गाइडलाइंस और मॉनिटरिंग पर रिलाई करती है। बट ऐसा नहीं है कि वायलेशन होने पर किसी कंट्री को पनिश किया जा सकता है, नहीं, समझ गए? पहले तो देखो, जब ये ट्रीटी आई थी ना 1967 के आसपास, उस समय विभिन्न देशों के पास में ना स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल नहीं थी, इतने कैपेबल नहीं थे, तो इस ट्रीटी को सबने फॉलो करने पर जोर दिया था। बट अब तो देखो, आपको भी पता है कि विभिन्न देश कितने आगे निकल चुके हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज के मामले में, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है स्पेस वेपन्स के क्षेत्र में। तो अब ना इस आउटर स्पेस ट्रीटी को ना रिवैम्प करने की आवश्यकता है, ताकि विभिन्न देशों को रोका जा सके, एटलीस्ट कोशिश की जा सके। अदरवाइज देखो, रशिया जो कर रहा है ना, उससे डिजास्टर आएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेस न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस से संबंधित, मतलब पॉलिटिकल फंडिंग में अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो क्या अल्टरनेटिव्स हैं, उन अल्टरनेटिव्स को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने हैं, जो भी आप अल्टरनेटिव प्रपोज करोगे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। फिर
आउटर स्पेस ट्रीटी से संबंधित क्वेश्चन हैं, इसको इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ स्टेप्स आपको बताने हैं। अब देखो प्री के क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछ सकती है, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं। 2015 में शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है कि एनपीटी ट्रीटी में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इनमें से किनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब उनको रिकॉग्नाइज किया गया है जिनके पास सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, मतलब वो तो कोइंसिडेंस था, उस समय तक इन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे जिनके पास में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट थी, चाइना फ्रांस, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया है एनपीटी ट्रीटी में। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इन सब ने तो बाद में, ट्रीटी के बाद में न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, मंडे को मिलते हैं फिर से एक एनर्जेटिक, उत्साह से भरी डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।